again, assalamu alaikum. Welcome to the Smart School City Campus online Islamiyat class for grade 3. Sabak हल्फे फजूल, मकसद बच्चे हल्फे फजूल के मायने और इसके मुआहदे की अहमियत से आगाह हो सकें। अब हल्फ कहते हैं एक मुआहदे या वादे को, अलफजूल उस मुआहदे का नाम था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अल्फ कबीले में बहुत ज़्यादा नाइतफाक़ी थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे और शिद्दत इख्तियार कर जाते थे, और वो झगड़े इस कदर हो जाते थे कि उनकी आने वाली नस्लें इस दुश्मनी को निभाती थी। अगर किसी फर्द कबीले के फर्द के साथ कोई ज़्यादती होती तो दूसरे कबीला पूरे के पूरे अफराद पूरा दूसरा कबीला उन बदला लेने के लिए तैयार हो जाता था। कोई अदालती निज़ाम नहीं था, कोई मज़लूम की मदद करने वाला नहीं था। इसी तरह एक बार ऐसा हुआ कि मक्का के कुछ लोग इस जुल्म ज़्यादती बुरी लगती थी। कुछ लोग जो थे जिनके साथ मुसलसल ज़्यादती होती थी, जो असर व रसूख वाले या तो फिर ऐसे ताकतवर कबीले या लोग थे, वो मज़लूमों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। तो जो मज़लूम थे उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगती, और कुछ ऐसे असर व रसूख वाले ख़ानदान भी थे, कबीले भी थे, जिन्हें ये चीज़ बुरी लगती थी। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुतलिब के सामने यमन के एक बेसहारा मुसाफिर ने मदद की फरियाद की। अब वहाँ पर